A public service message by Alauddin Academy Girls High School. Keep distance, keep clean, keep calm. Stay home, stay safe. My name is Rimsha Tariq. I am a computer teacher and this is an educational video जो कि present की जा रही है आपको Alauddin Academy Girls High School की तरफ से. सिक्स्थ क्लास के कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए ये कंप्यूटर का फर्स्ट लेक्चर है जो कि उनकी कंप्यूटर की बुक यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर बेसिक्स से बनाया गया है. इस लेक्चर के अंदर आप गिवन टॉपिक्स जो अभी आपकी स्क्रीन पर मौजूद हुए हैं आप इनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर. वी लिव इन अ मॉडर्न वर्ल्ड. हम एक मॉडर्न वर्ल्ड का हिस्सा हैं और इस मॉडर्न वर्ल्ड की टॉप इन्वेंशन कंप्यूटर्स हैं. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सी मशीन्स इस्तेमाल करते हैं जिनका कोई ना कोई पर्पस होता है और हम उनसे कोई ना कोई सर्विस लेते हैं. बिल्कुल इसी तरह से कंप्यूटर भी एक ऐसी मशीन है जिसको डिज़ाइन किया गया है कोई भी सर्विस को गेन करने के लिए या फिर हमारे कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए. सो एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि एक यूज़र से डेटा को इनपुट के फॉर्म में एक्सेप्ट करती है, देन उसके बाद प्रोसेसिंग की जाती है और प्रोसेसिंग के बाद हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट इंफॉर्मेशन या आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है. और अगर एक यूज़र की नीड हो तो फिर इस इंफॉर्मेशन को फर्दर इस्तेमाल के लिए स्टोर भी किया जा सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर वॉचिंग अ वीडियो ऑन इंटरनेट और वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है एंड यू वॉन्ट इट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप उस वीडियो का लिंक या उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप बाद में अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कर सकें. सो दिस इज़ अ कंप्यूटर. अ कंप्यूटर कैन बी फाउंड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. एक कंप्यूटर किसी भी शेप और साइज में हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी अ लैपटॉप, इट कैन बी अ स्मार्टफोन और इट कैन बी अ टैबलेट एटसेट्रा. हियर कम्स डेटा एंड इन्फॉर्मेशन. डेटा और इन्फॉर्मेशन का कंप्यूटर की वर्किंग में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि इनके बगैर कंप्यूटर जो है वो काम नहीं कर सकता. डेटा क्या होता है? डेटा इज समथिंग विच इज गिवन टू अ कंप्यूटर. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक सम जो है वो सॉल्व करना है और उसके लिए आपको कैलकुलेटर की मदद लेनी है. आप कैलकुलेटर में वैल्यूज़ एंटर करते हैं, वैल्यूज़ एंटर करने के बाद कैलकुलेटर उन पर प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग के बाद आपको आपका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले कर दिया जाता है. सो द वैल्यूज़ विच वर गिवन टू द कैलकुलेटर वर नोन एज डेटा. डेटा के बाद उस पर जो है प्रोसेसिंग हुई और प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आप तक आया दैट इज़ नोन एज इन्फॉर्मेशन. सो कंप्यूटर में डेटा क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स. जो कंप्यूटर को दिया जाता है उसे डेटा कहा जाता है. इट इज़ इन द रॉ फॉर्म. ये हमेशा अपनी रॉ फॉर्म में होता है यानी जिससे आप कोई भी रिजल्ट जो है वो नहीं निकाल पाते तब तक जब तक उसके ऊपर प्रोसेसिंग ना हो पाए. डेटा जो है वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में पाया जाता है. इट कैन बी टेक्स्ट, इट कैन बी इमेज, इट कैन बी ऑडियो और इट कैन बी अ वीडियो एट्सेट्रा. एंड सेम एज वी हैव इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन जो होती है वो डेटा की प्रोसेस्ड फॉर्म होती है यानी आपने डेटा जो है वो कंप्यूटर को दे दिया हुआ है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग की गई है और प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट आप तक आया है दैट इज़ नोन एज इन्फॉर्मेशन. और हमेशा एक बात याद रखिएगा, इन्फॉर्मेशन इज़ ऑलवेज अंडरस्टैंडेबल बाय द यूज़र. एक इन्फॉर्मेशन जो है वो हमेशा एक यूज़र समझ पाता है कि वो क्या है. इसको मज़ीद जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर एक्सप्लेन जो है वो किया जाता है. अभी हमने कैलकुलेटर की एक एग्जांपल पढ़ी. सेम आई हैव दिस एग्जांपल हियर. यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि हम कंप्यूटर को देंगे. ये वैल्यूज़ जो हैं ये हमारा डेटा है और ये डेटा जो है हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में है. इस डेटा को जब कंप्यूटर के अंदर एंटर किया जाता है तो देन उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है. प्रोसेसिंग में यू कैन सी हियर कि कंप्यूटर इसके ऊपर एडिशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करने के बाद जो भी आउटपुट जनरेट होगी उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. एंड यू कैन सी हियर हमारे पास यहाँ पर जो है इस सम का आंसर है विच इज़ 10. हियर वी सी अनदर एग्जाम्पल विच इज़, अगर आपको एक स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड चाहिए है
और उसके लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ एंटर करनी है, जो हमारे पास डाटा कहलाएगा, दैट वुड बी द स्टूडेंट मार्क्स। वो एक स्टूडेंट के मार्क्स होंगे जो उसके रिपोर्ट कार्ड पर मेंशन किए जाएंगे, यानी वो हमारी इनपुट होगी। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। प्रोसेसिंग जो है उसमें क्या किया जाएगा, उस इनपुट पर वर्किंग की जाएगी। फॉर एग्जांपल आपका परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट की जाएगी, आपके ऑब्टेन मार्क्स फाइंड आउट किए जाएंगे, आपकी ग्रेडिंग की जाएगी, और भी जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं एक रिपोर्ट कार्ड पर वो सारे परफॉर्म किए जाएंगे। एंड एट द एंड फाइनली यू विल हैव योर रिजल्ट, आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा, जिसे आउटपुट या इन्फॉर्मेशन कहा जाएगा। और इसे इन्फॉर्मेशन इसलिए बोला जाएगा क्योंकि हम उस रिजल्ट से कुछ ना कुछ जो है वो गेट कर रहे हैं, हम उससे किसी ना किसी चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं। सो डेटा इज समथिंग विच इज़ इन इट्स रॉ फॉर्म, जो अपनी रॉ फॉर्म में होता है, जिसे आप कोई भी जो रिजल्ट है वो देखकर जनरेट नहीं कर सकते। उस डेटा पर की जाती है प्रोसेसिंग, उस प्रोसेसिंग पर कोई ना कोई एक्शन या फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, और उस एक्शन या फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद हमारे पास जो चीज़ जनरेट होती है उसे हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन या आउटपुट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ रिजल्ट। सो ये एक छोटे से एग्जाम्पल थी अबाउट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। हेयर नाउ वी सी द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स। हम अपनी लाइफ में जितने भी मशीन्स इस्तेमाल करते हैं वो हमें कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर प्रोवाइड करती हैं, तो कंप्यूटर्स को भी इस्तेमाल करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैम। फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉप ऑफ द लिस्ट आई हैव स्पीड। एक कंप्यूटर जो है दैट वर्क्स वेरी स्पीडली, वो बहुत स्पीड के साथ काम कर सकता है। जैसे अभी हमने बात की कि हमें एक कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करनी है, आपको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दो वैल्यूज़ दी जाएं, तो डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर, लेकिन उसके लिए कुछ टाइम लगेगा। बट कंप्यूटर की ये कैपेबिलिटी है कि जैसे ही आप वैल्यूज़ एंटर करते हैं, बाय प्रेसिंग इक्वल्स बटन यू विल गेट योर आंसर विद इन नो मिनट्स। देन वी हैव एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स अ कंप्यूटर इज ऑलवेज 100% एक्यूरेट। कंप्यूटर गिव्स रॉन्ग रिजल्ट्स ओनली व्हेन रॉन्ग इनपुट और डाटा इज गिवन टू इट। हमेशा कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन पर आप रिलाई कर सकते हैं, तब तक जब तक कि उसको दी जाने वाली इनपुट या डाटा जो है वो एक्यूरेट होगा, क्योंकि अगर आप वैल्यूज ही गलत एंटर करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है वो गलत ही आएगा। देन वी हैव डिलीजेंस। डिलीजेंस जो है एक ही काम को बार बार करने की कैपेबिलिटी रखना, यानी बिना थके बिना किसी रुकावट के। कंप्यूटर हैज़ दिस करेक्टरिस्टिक कि जिसके ज़रिए कंप्यूटर एक ही काम को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकता है। देन वी हैव वर्सटाइल और वर्सटिलिटी। ये एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है जिसकी मदद से आप एक ही वक्त में मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग अ डॉक्यूमेंट ऑन एमएस वर्ड, जबकि बैकग्राउंड में आपने जो है वो म्यूज़िक प्ले किया हुआ है, तो ये कंप्यूटर की एक क्वालिटी है विच अलाउज़ यू टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट अ टाइम, विच मीन्स एन एप्लीकेशन कैन बी रनिंग इन फोरग्राउंड एंड एन अदर एप्लीकेशन कैन ऑल्सो बी रनिंग इन द बैकग्राउंड। देन वी हैव ईजी टू यूज़। एक कंप्यूटर को इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इवन हमारे घरों में मौजूद जो बच्चे होते हैं वो बहुत आसानी से लैपटॉप्स या कंप्यूटर सिस्टम्स को पावर ऑन कर सकते हैं। देन वो अपने पसंद की एप्लीकेशंस जो है उन्हें प्ले कर सकते हैं, और उसके बाद बहुत आसानी से वो उन एप्लीकेशंस को यूज़ करने के बाद सिस्टम्स को शट डाउन भी कर सकते हैं। सो अ कंप्यूटर इज़ वेरी ईजी टू यूज़। ये कुछ बेनिफिट्स थे, इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हो सकते हैं, और भी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हियर वी हैव कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स कहा जाता है उन चीज़ों को जिनसे मिलकर कोई एक सिंगल पर्टिकुलर चीज़ वजूद में आती है। जैसे एक ह्यूमन है, तो एक ह्यूमन को ह्यूमन बनाने में जो दो कंपोनेंट्स लाजमी हैं वो कहलाते हैं ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन सोल। यानी बॉडी और बॉडी के साथ सोल का होना बहुत ज़रूरी है। सोल जो है वो अलाउ करती है बॉडी को कि वो किस तरह से वर्किंग कंडीशन में आएगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से कंप्यूटर के पास भी ऐसे दो कंपोनेंट्स हैं जो एक कंप्यूटर को कंप्यूटर बनाते हैं। सो दीज आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो फिजिकल पार्ट्स होते हैं विच कैन बी सीन एंड टच्ड, जिन्हें आप देख सको और जिन्हें आप टच कर सको। ये बिल्कुल एक ह्यूमन बॉडी की तरह से होते हैं, जैसे आप उसे टच कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो।
अब हार्डवेयर जो है वो बहुत रेयरली चेंज होता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक ह्यूमन बॉडी का कोई पार्ट अगर बहुत बुरे तरीके से सिवियरली डैमेज ना हो जाए और हमें उसे रिप्लेस करने के अलावा कोई ऑप्शन ना बचे, तो बिल्कुल इसी तरीके से कंप्यूटर अगर एक बार आप एक अच्छे से परचेज कर चुके हैं लेकिन उसके हार्डवेयर में जब तक कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक आप इजीली उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन योर हार्डवेयर देन श्योरली यू मस्ट हैव टू चेंज इट। ऑन द अदर हैंड वी हैव सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को दी जाती हैं कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। ये बिल्कुल ह्यूमन सोल की तरह से होती हैं और एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना और अनइंस्टॉल करना एक यूज़र की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है और ये काम बहुत ईजीली हो सकता है। सो यहाँ पर जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं जो कि एक दूसरे का पर्पस शो कर रहे हैं। हियर वी डिस्कस सम एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को कैटेगराइज किया जाता है डिफरेंट टाइप्स में। हेयर वी हैव इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, स्टोरेज डिवाइसेज, कम्युनिकेशन डिवाइसेज एंड अ सिस्टम यूनिट। सेम लाइक दैट सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कैटेगराइज इंटू टू टाइप्स विच इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। इनके बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता और इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एट्सेट्रा। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें एक यूज़र की एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल पर्पस या किसी भी और पर्पस के लिए डेवलप किया जाता है। हमें बहुत अच्छे से पता है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं हमारी डॉक्यूमेंटेशन के लिए। कैंडी क्रश इज़ अ पॉपुलर गेम जो कि बहुत से लोगों ने खेली हुई है। इसके अलावा कुरान 360 इज़ एन एप्लीकेशन जो कि बहुत से लोग अपनी इस्लामी तालीमात के लिए इस्तेमाल करते हैं। हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर जो कि विजिबल हैं, आप उन्हें देख सकते हो। दीज इंक्लूड्स इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन डिवाइसेज एज वेल एज अ सिस्टम यूनिट। एंड हियर इज एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स एंड दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप वो सॉफ्टवेयर देख रहे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है कंप्यूटर को चलाने के, यानी कंप्यूटर जो है वो इनके बगैर काम नहीं कर सकता। एंड हियर वी सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि आप एक बॉक्स में पैक्ड हुए देख रहे हैं, यानी एक यूज़र की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो आप अपने सिस्टम्स में ये रख सकते हैं, अगर आपको इनकी ज़रूरत नहीं है तो फिर आप इन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं और इनका होना ना होना कंप्यूटर की वर्किंग पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता। हेयर वी हैव अ वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन विच इज़ अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो आपके कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर करेगी अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। लेट्स सी इट। Hardware and software, two terms you've probably heard of at one point or another. The odds are high that you use both on a daily basis, whether it's with your smartphone or personal computer. Let's take a deeper look at what these two things are and why they're important. Hardware is any element of a computer that's physical. This includes things like monitors, keyboards, and also the insides of devices like microchips and hard drives. Software is anything that tells hardware what to do and how to do it, including computer programs and apps on your phone. So video games, photo editors, and web browsers are just a few examples. Hardware and software are very different from each other, but they also need one another in order to function. Let's look at an example of this using a smartphone. In this case, the hardware would be the physical phone itself, and the software would be its operating system and its apps. If we were to take away the software, we would just have a dead phone in our hands. It wouldn't be able to make calls, text, or go online because it's not receiving any kind of instructions. On the other hand, let's say we have no hardware, meaning there's no actual phone. If all we have are the programs, we just have a bunch of instructions, but nothing to give those instructions to. So the big picture here is that hardware needs software to tell it what to do, but software also needs hardware in order to act out its directions. Technology will continue to evolve, and though we may not be sure of how things will look in, say, 100 years, this combination of hardware and software will be there, serving as its foundation.
ये एक छोटी सी वीडियो डेमोंस्ट्रेशन थी अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. होप यू अंडरस्टैंड एंड लाइक इट. हियर वी हैव सम इंस्ट्रक्शंस फॉर यू स्टूडेंट्स. आपको एडवाइस किया जाता है कि आपको आपके स्कूल की वेबसाइट पर जो भी होमवर्क असाइन हुआ है, आप उनके शॉर्ट क्वेश्चंस को शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर अटेम्प्ट करेंगे, यानी उनका आंसर जो है वो आपने बहुत ही ब्रीफ देना होगा. और जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनको आप लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर अटेम्प्ट करेंगे. आप अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में ये सारा काम कीजिएगा और आप अपने पेरेंट्स के साथ ही ये वीडियो भी जो है वो वॉच कर सकते हैं, ताकि अगर आपको फिर से कोई चीज़ अंडरस्टैंड करनी है तो वो आपकी हेल्प कर सके. इसके अलावा ये वीडियो जो है वो एक छोटी सी एफर्ट थी ताकि आपको आपके जर्नल कॉन्सेप्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीवर की जा सके. हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. आपके कंप्यूटर के जितने भी लेक्चर्स हैं उनको इसी तरह वीडियोस में डिवाइड किया गया है, तो आपका जितना भी सिलेबस हमारी तरफ से था उसे इन वीडियो लेक्चर्स के तौर पर जो है वो कवर किया जाएगा. यू विल सून गेट योर अदर वीडियोस एज वेल. एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग. टेक केयर.